इस टाइम तो हम चावल लगाते हैं, वैसे तो हमें ये काम करते करते ना आज कोई 50 साल हो गया। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अदनान कासिम मीतला और आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो गाइस, हम इस टाइम मौजूद हैं जामा मस्जिद सादिक ओल्ड सिटी बहावलपुर के निचले हिस्से में। ये एक पूरा बाज़ार है और इसी बाज़ार में ही ये अंकल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पुलाव बेचते हैं। तो चलें इनके पुलाव का रिव्यू करते हैं। ये हमारी दुकान, इस टाइम तो हम चावल लगाते हैं, वैसे तो हमें ये काम करते करते ना आज कोई 50 साल हो गया। ये ओल्ड सिटी जो है ना, यहाँ पे तकरीबन उस वक्त रमजान नहीं था तो उस वक्त से हमारी ये दुकान चली आ रही है। तो हम यहाँ पे हम लगाते हैं, ये बीफ का पुलाव हो गया, चिकन का पुलाव हो गया, शामी कबाब है हमारे पास, ये चीज़ें होती हैं। सुबह के टाइम हमारे पास नाश्ता होता है, दाल पत्ते वाली होती है, तो उसके पराठे होते हैं। ये पत्ते वाली दाल का क्या है? बस शुरू से ही ऐसे चल रहा है ये, एक बस वो पहले पत्ते पे बिकती थी ये दाल, ठंडी करके पत्ते पे बेची जाती थी, तो अब तो पत्ते का वो रह नहीं गया ना, तो अब शॉपरों में डाल के ले जाती है। सुबह हमारे पास ये सुबह की नमाज के बाद से शुरू होता है, तो 11:30 बजे तक हमारे पास ये सब पुलाव। हमारे पास ये बीफ राइस है और उसके बाद चिकन राइस है हमारे पास, जर्दा है, शामी कबाब है, रायता सलाद, ये सब कुछ। लोकेशन हमारी ये ओल्ड सिटी है, जामिया मस्जिद अल सादिक, ये नवाबों की मस्जिद है, इसके नीचे ही हम बैठे हैं। और ये जी हमारे राइस आ चुके हैं और साथ में सैलड है और रायता भी दिया है। तो चलें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट क्या है। बहुत अच्छा टेस्ट है यार, और इतने कम पैसों में आपको इतना अच्छा टेस्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। हम जब तक राइस को एंजॉय करते हैं आप वीडियो को एंजॉय करें। जी तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने गिर्दोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।